हेलो स्टूडेंट्स आई एम रोशनी वेलकम टू तो स्टडी क्लासेस तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्टर किस प्रकार डिजाइन करना है क्योंकि इंग्लिश के पेपर में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिले हैं दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से आपके नंबर सबसे ज्यादा आ सकते हैं तो ये पार्ट है जो हमें बिल्कुल क्लियर करना है एग्जाम में हमारा कंफर्म होना चाहिए यहाँ से हमें नंबर बिल्कुल पक्के करना है तो मैं आपको आज दो पोस्टर डिजाइन बताने वाली हूँ किस प्रकार इसको आप करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले क्योंकि पोस्टर जो है ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए नंबर हमारे यहाँ से मार्किंग ज्यादा है और डेफिनेटली एग्जाम में आना इसका बिल्कुल फिक्स है तो हमें ये पढ़ना होगा तो दो मैंने दो पोस्टर आज आपको बताने वाली हूँ एक तो ड्रग्स के अगेंस्ट हमें जागरूक करना है वो है और बम अवेयर के बारे में जो अलर्ट है उसके बारे में किस प्रकार जागरूक करेंगे पोस्टर बनाकर वो भी हमें बताना है तो सबसे पहले पोस्टर बनाना हमारे लिए एक तरीका होना चाहिए कि, कि हमें पोस्टर हमारा कैसा होना चाहिए अट्रैक्टिव यानी कि जो पढ़े वो उसको जागकर पढ़कर जाग जाए मतलब वो जागृत हो जाए उसके मन में ये हो कि पोस्टर जिस बनाया गया है वो बिल्कुल किस उद्देश्य से बनाया है तो ये सबसे पहले पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए तो जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है डिजाइन एन एट्रेक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स तो हमें एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिससे जो ड्रग्स यूज करते हैं उनके मन से निकल जाए कि ड्रग्स के कितने सारे हमारे लिए बताना हमें उसके ड्रग्स के हानिकारक कितनी सारी चीजें होते हैं जिससे वो ड्रग्स को छोड़ दे ऐसा कुछ हमें पोस्टर डिजाइन करना है तो पहला पोस्टर जो है वो ड्रग्स के अगेंस्ट हमें किस प्रकार बताना है उनको यूज ऑफ ड्रग्स को जो है तो हम डिजाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप से आयता टाइप से एक बहुत अच्छा बॉक्स बनाना होगा इसको आप ब्लैक कलर से बना सकते हो तो आपको एग्जाम में बनाना अच्छे से इसको आप डिजाइन करोगे डबल रोटेड में बनाओगे यानी कि डबल लाइनिंग में इसको बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा तो पहले आप बॉक्स बनाओगे उसके बाद जो हेडिंग आपकी पूरी ब्लैक पेन से बड़े कैपिटल अक्षर में लिखोगे साफ जो आपको दिखना चाहिए जिससे कि आपका पोस्टर जो पढ़ने वाला है वो एकदम अट्रेक्टिव है इफेक्टिव हो जाए तो फर्स्ट आप जिसको जागृत करना चाहते हो उसके प्रति मैं बताना होगा कि किस प्रकार इसके लिए अवेयरनेस है तो हम बताएंगे डू यू लव यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली क्या या आप अपने आप से प्यार करते हैं अपनी फैमिली को चाहते हैं अपनी फैमिली आप है, if then, यदि आपका इन क्वेश्चन में आंसर यस है तो तो क्या कहेंगे आप से नो टू ड्रग्स ड्रग्स को ना कहिए ऐसा पोस्टर होना चाहिए जिससे क्या हो व्यक्ति को जागृत हो जाए तो अब यदि इस प्रकार होता है तो हम क्या बनाए हमने इसको अच्छे से डिजाइन में स्टार के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन में शो कर दिया आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बता सकते हैं यदि आपको बहुत अच्छे डिजाइन आती है तो आप वो भी बना सकते हैं तो इस प्रकार आप बढ़िया से पोस्टर बना सकते हो लिख सकते हो ड्रग्स लिख टू डिस्ट्रक्शन मतलब ड्रग्स किसकी ओर इशारा करता है विनाश की ओर यदि ड्रग्स जो लेता है वो उसका पूरा विनाश तय है तो ये हमने इस प्रकार से पोस्टर डिजाइन कर दिया तो यदि आप इस प्रकार पोस्टर डिजाइन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो आप सेकेंड पोस्टर हमारा किस प्रकार है चलिए वो देखते हैं तो यहाँ पे हमें सेकेंड पोस्टर में अलर्ट करना है बॉम्ब के प्रति कि किस प्रकार किस चीजों में बॉम्ब हो सकता है उसके लिए हमें जो है जनता को जागरूक करना है तो फर्स्ट आप क्या करोगे मैंने जैसे कि पहले बताया तो ब्लैक में आप पूरे कैपिटल ये लेटर्स में ये वर्ड लिखोगे ताकि क्या हो पूरा क्लियर हो आपका उद्देश्य इफ यू आर अलर्ट यदि आप अलर्ट है यू कैन अवर्ट तो आप जागरूक हो सकते हैं तो इस प्रकार एक बॉम्ब ब्लास्ट के लिए मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है दो तो आप बिल्कुल इसी प्रकार आपको बनाना है वेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल यदि आपको किसी भी प्रकार का संदिग्ध वस्तु कोई लगे जिसके एग्जाम्पल हमें देना है कौन कौन सी वस्तु संदिग्ध हो सकती है किस प्रकार हमें उसपे डाउट हो सकता है तो ऐसी वस्तु है डॉल यानी कि गुड़िया हो सकती है सूटकेस बैग हो सकता है और यहाँ पर भी बैग मतलब एक सूटकेस कैसा के हो सकता है पैक उसमें कुछ हो सकता है टिफिन मोबाइल ट्रांजिस्टर और इस इस प्रकार हो सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखे एक पब्लिक प्लेस में क्या हो सकते है इतनी सारी चीजें हो सकते है इन पब्लिक प्लेस ट्रेन बस ये सभी वहां पर होंगी भीड़ भाड़ी वाली जगह पे आपको मिलेंगे डॉल बैग मोबाइल सूटकेस टिफिन इस टाइप से आपको वहीं पर मिलेंगे तो इनपे हमें ज्यादा नोटिस करना है कि ये चीजें किस प्रकार होंगी तो आप यहाँ पे इमिडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको नियरेस्ट आपके पास वाले जो पुलिस स्टेशन वहां पर आपको कॉन्टेक्ट करना है यदि हमें क्वेश्चन में जो दिया जाता है जिस प्रकार के लिए हमें दिया जाता है यदि क्वेश्चन में और डायल हंड्रेड हेल्प दिल्ली पुलिस तो हमें जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हमें लिखना होगा दिल्ली पुलिस इंदौर पुलिस जो भी हमें दिया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ वैसा ही डिजाइन करना है तो आज हमने देखा पोस्टर डिजाइन तो आप इसको इजीली अपनी कॉपी में बना लीजिए और बिल्कुल पोस्टर को अच्छे डिजाइन में बनाइए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले तो इस प्रकार आप पॉइंट वाइज इसको बना सकते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो दोनों पोस्टर आपको रेडी करना है ताकि एग्जाम में आपके नंबर फुल आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग